की जो जमात है और बिलावल जरदारी खुद जो हैं और इनके डैडी जो आसिफ जरदारी हैं, उनकी जो तरबियत है ये जरदारी लीग की, वो तरबियत ही ऐसी है कि अवाम के मसाइल जो हैं वो हल नहीं करने हैं, अवाम को परेशानियों के अंदर रखना है, अपोजिशन को इन्हीं इशूज़ के ऊपर उलझा के रखना है ताकि इनकी जो अपनी करप्शन है उसका सिलसिला चलता रहे, वो सिलसिला रुका नहीं रुके ना और वो कंटिन्यूस बेसिस पे अवाम जो है परेशान रहे। हम सब ने देखा कि पिछले 1.5 से 2 साल तक जो है वो सूबे भर के जितने भी तालीमी इदारे थे वो बंद थे और बच्चों की जो एजुकेशन थी वो डेफिनेटली हमने देखा कि वो डिस्टर्ब थी। उसके साथ साथ डिपार्टमेंट्स जो थे वो भी सारे बंद थे, लेकिन तैयारियाँ जो हैं वो ज़रूर की जा रही थी कि आगे बच्चों के इम्तहान आ रहे हैं, जैसे कि मैट्रिक के इम्तहान आ रहे हैं और डिपार्टमेंट्स को बताया गया था कि उन्होंने काम करना है। 1.5 साल के अरसे के बाद हम देख रहे हैं कि जब सूबे सिंध के अंदर मैट्रिक के इम्तहान हुए हैं तो उस इम्तहान के अंदर खुलेआम चीटिंग हुई है। मतलब हालत ये है कि व्हाट्सएप के ऊपर पर्चे निकले हुए थे, अगर 9th का पेपर सुबह 9:30 बजे होना था तो सुबह 8:30 बजे पेपर जो है वो रिलीज़ कर दिया गया था व्हाट्सएप के ऊपर। और सर्विस जो है वो इतनी ज़बरदस्त दी जा रही थी वज़ीर तालीम के डिपार्टमेंट की तरफ से कि बच्चों को सिर्फ पेपर नहीं उसके साथ साथ उसके जवाब भी बताए जा रहे थे कि क्या क्या जवाब देने हैं, किस तरीके से चलना है। हम हैरान कि पहला पेपर हुआ, सुबह भर के अंदर पेपर लीक हुआ, पेपर आउट हुआ, व्हाट्सएप पे सिलसिले चलते रहे, वज़ीर तालीम जाएंगे, वज़ीर तालीम जाके स्कूल्स का विज़िट करेंगे। मालूम चला वज़ीर तालीम जो हैं वो तो कश्मीर के इलेक्शंस के अंदर बिज़ी हैं, वो तो कश्मीर के अंदर अपनी कैंपेन चला रहे हैं और जिस तरीके से इनकी जमात ने गिलगित के अंदर मार खाई थी वो कश्मीर के अंदर भी अपनी पिटाई की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद वज़ीर तालीम का एक बयान आ जाता है कि ये तो मेरा काम ही नहीं है। अच्छा जी, सहाफ़ी हज़रात पहुँच गए एडवाइज़र निसार खोड़ो साहब से पूछने के लिए, तो उन्होंने निसार खोड़ो साहब ने बोल दिया जनाब मैं तो सूबे सिंध का सदर हूँ पीपल्स पार्टी का, मेरा क्या ताल्लुक है चीटिंग से। करोड़ों रुपए इन बोर्ड्स के ऊपर खर्च किया जाता है, 2 साल की कोविड के दौरान जो तनख्वाह इनको मिली है वो अंदाजन कोई 60 करोड़ रुपये जो है इनको तनख्वाहें मिली हैं और हालत ये है कि कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, जो चीटिंग हो रही है उसमें भी तजाद है, एक चीटिंग आपकी यहाँ पे कराची के स्कूलों की हो रही है, उधर लड़काना के स्कूलों के अंदर देखें वहाँ पर भी चीटिंग का यही हालात चल रहे हैं। कोई सूबे का ऐसा शहर नहीं है जहाँ पर आप कहें कि कोई हालात बेहतर हों। जो हालात तालीम के इस वक्त इस सूबे के वज़ीर तालीम सईद गनी ने कही है, हम इसकी सख्त अल्फाज में मुज़म्मत करते हैं। सूबे सिंध के बच्चों को जिस तरह तबाही के ऊपर लेके जाया जा रहा है, जिस तरीके से एक प्लानिंग के तहत सूबे सिंध के बच्चों को जो है आप नालायक बनाना चाह रहे हैं, अपनी तरह इस तालीम के निज़ाम को तबाह करना चाह रहे हैं, हम इसकी सख्त अल्फाज में मुज़म्मत कर रहे हैं। हम डिमांड कर रहे हैं चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी कि वो नोटिस लें चीफ़ जस्टिस साहब कि इस सूबे की जो हकूमत है वो बच्चों का क्या, बच्चों के क्या हालात कर रही है। उसके साथ साथ बेहतरी की तरफ हम आ नहीं रहे, हम ये देख रहे हैं कि इस सूबे के अंदर जो 44% जो एक रेशियो, एक बहुत बड़ी सर्वे कंपनी जिसने बताया कि 44% आज भी इस सूबे में जो स्कूल्स हैं उन स्कूल्स के अंदर टॉयलेट्स मौजूद नहीं हैं। कोई 51% जो स्कूल हैं उसके अंदर सूबे सिंध के अंदर जो है वो बिजली मौजूद नहीं है। 65% स्कूल्स ऐसे हैं जिसके अंदर प्लेग्राउंड्स मौजूद नहीं हैं। 35% स्कूल्स ऐसे हैं जिसके अंदर लाइब्रेरीज मौजूद नहीं हैं। 47% सूबे सिंध के अंदर स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे लैब्स मौजूद नहीं हैं। ये सूबे सिंध की तालीम का जो है वो हाल है। 52% लड़के और 58% लड़कियाँ जो हैं वो सूबे सिंध के अंदर आज भी प्राइमरी स्कूल जो हैं वो नहीं जाते, वो एजुकेशन हासिल नहीं करते। और ये सब कौन कर रहा है? ये तमाम कमाल जो हैं और ये शाबाशियाँ जाती हैं इस सूबे के वज़ीर तालीम सईद गनी साहब को और उसके साथ साथ जो उनके दूसरे बड़े साहब हैं उनका नाम है निसार खोड़ो साहब। निसार खोड़ो साहब जो हैं वो एडवाइज़र हैं ऑन यूनिवर्सिटीज़ ऑन बोर्ड्स। और हालत ये है कि पिछले 4 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नलायकी, इस सूबे के नलायके, आला के नलायकी के 4 साल से कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन इनके पास नहीं है। वो जो कहते हैं ना कि आर्जी तौर पर जो पोजीशंस दी जाती हैं वो पोजीशंस दी हुई हैं, एग्जामिनेशन कंट्रोल मौजूद नहीं है।
आपके हालात ये हैं कि जो स्कूल में बच्चियां जाती हैं उनके पास भी वहाँ पे टॉयलेट्स मौजूद नहीं हैं। हालात ये हैं कि एक स्कूल के अंदर जो पिछले दिनों एक मीडिया में रिपोर्ट हुआ कि 3 बच्चे जो हैं स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं और उसके साथ साथ वहाँ पर जो टीचर्स हैं वो 12 टीचर्स हैं। सूबे सिंध के अंदर हमने ऐसे भी स्कूल देखे कि जिन स्कूलों के अंदर भैंसें बंधी हुई हैं। हालात ऐसे हैं सूबे सिंध के स्कूलों के अंदर कि गधों को बांधा हुआ है। और अब तो हालात ये हैं कि जो बकरा मंडियां लग रही हैं वो भी कुछ स्कूल सूबे सिंध के अंदर ऐसे हैं कि जो ईद आ रही है वो मंडियां भी आपके स्कूल के अंदर लग रही हैं। सूबे सिंध के हालात हमारी नज़र के अंदर, जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबे सिंध के अंदर इक्तदार के अंदर रहेगी आवाम के यही हालात रहेंगे। अब सुना है कि एक सन कोटा पे आए हुए एडवाइज़र हैं उनको कराची की जिम्मेदारी दी जा रही है। हम तो हैरान हैं कि कैसे आप उनको कराची की जिम्मेदारी दे रहे हैं। हम तो आपके इस फैसले को अदालत के अंदर चैलेंज करेंगे। ये तो एक इंटरिम पीरियड है, ये वो पीरियड है कि जिस दौरान इलेक्शन ख़त्म हो गए हैं, यहाँ का मेयर मौजूद नहीं है, आप एक सियासी शख्स को सियासी बुनियादों के ऊपर कैसे इस शहर के एडमिनिस्ट्रेटर लगा सकते हैं। लिहाजा इस मामले में भी हम बताना चाहते हैं कि हमने ये फैसला किया है कि अगर इस सन कोटे पे आए हुए एडवाइज़र को आपने तैनात किया तो इसको हम इस फैसले को आपके हम चैलेंज करेंगे अदालतों के अंदर। उसके साथ साथ जो एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो कि हम देख रहे हैं कि करप्शन का खात्मा जो है वो सूबे सिंध के अंदर नहीं हो रहा है। इस वक्त भी अगर आप करप्शन देखेंगे तो तीसरे नंबर के ऊपर आती है एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर। और इन्हीं वजूहत के बिना के ऊपर ये तमाम चीज़ें, ये बच्चों के जो एग्जामिनेशन के अंदर जो पेपर लीक हो रहे हैं, जो नलायकियाँ हो रही, उसकी सबसे बड़ी बुनियाद यही है। अब आप देखें कि जो हैदराबाद का बोर्ड है, जो सखर का बोर्ड है, वो डिमांड कर रहा है वज़ीर आला से कि जनाब आला आपने जो एग्जामिशन दी थी इनरोलमेंट की, रजिस्ट्रेशन की, रजिस्ट्रेशन फ़ीस की, वो पैसे आपने हमें अभी तक जमा नहीं कराए हैं। बेशुमार ऐसे सूबे सिंध के एजुकेशन से रिलेटेड जो दफ्तर हैं वो वज़ीर आला को ख़त लिखे जा रहे हैं कि वज़ीर आला साहब हमारे पास पैसे मौजूद नहीं हैं सूबे सिंध के तालीमी निज़ाम को चलाने के लिए। और वज़ीर आला साहब मसरूफ़ हैं घूमने फिरने में अमेरिका में, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के फैसलों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़, ऐसा लगता है कि कोई लॉबी करने के लिए, सिर्फ इस वजह से कि इक्तदार के अंदर आ जाएं। लगता है कि जो बाइडेन को वहाँ पर कन्विंस करने गए हैं कि वो शायद इक्तदार के अंदर आ जाएंगे, बिलावल जरदारी आ जाएगा तो यहाँ पर उनको ड्रोन्स के हमले करने की इजाज़त मिल जाएगी। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सोच है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्ज़ हुक्मरानी है और इसी बुनियाद के ऊपर ये हमेशा इक्तदार के अंदर आते हैं। कभी अमेरिका से मदद मांगते हैं, कभी इंडिया से मदद मांगते हैं। ये एक माफिया है, ये एक माफिया है। ये मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो या जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमात नहीं है, ये इस वक्त एक जरदारी लीग है जो एक प्लानिंग के तहत इक्तदार के अंदर आती है। पीटीआई रहनुमा खुर्रम शेर ज़मान कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सूबे में तालीम पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही।